सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके रख देंगे जो न्यू अभी व्यूअर्स हो उनके लिए। सो चलो बात करते हैं ब्लॉग में और भी आगे बढ़ते हैं। गाइज अभी ब्लॉग बनाते बनाते मेरा एक फ्रेंड का बात याद आ गया, तो इसका नाम है इकबाल और इसका भी न्यू चैनल है यूट्यूब पे रॉक्स इकबाल नाम का, इसका भी ब्लॉग का चैनल है। तो उम्मीद करता हूँ आज ये भी ब्लॉग शूट कर रहा है, तो इसका लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है आज। तो आप लोग मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो वीडियो का जो चैनल है वो चैनल दिया हुआ रहेगा, आप लोग भाई को सपोर्ट करते रहो और भाई का न्यू चैनल है भाई को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो दिल से। क्या गलती हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ आप लोग बोल के भाई को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ाने का कोशिश करो और उम्मीद करता हूँ भाई का बहुत जल्दी ही 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। मेरा खुद का नहीं है, मैं इसका उम्मीद कर ले रहा हूँ बात यह है, तो मेरा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग तो है साथ में और मेरे साथ आया है मेरा फ्रेंड अरमान, तो जो फ़ोन से ब्लॉग बन रहा है वो इसी के बदौलत से है क्योंकि मेरा फ़ोन तो गए हो कुछ दिन बाद ही मैं फ़ोन लूँगा, तो अभी आया हूँ तो मूड अच्छा लगा इसीलिए ब्लॉग बना ले रहा हूँ। तो आप लोग मेरे फ्रेंड का चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रख देना जिसमें इसका भी चैनल ग्रो हो। तो चलो बात करते हैं और भी आगे वीडियो में। तो फर्स्ट एंड ऑल मैं बताऊँ जो लोग यहाँ पे फर्स्ट एंड न्यू आने वाले हैं, तो न्यू जो लोग आने वाले हैं अगर बाहर से जो लोग IIT BC और कॉलेज आने वाले हैं तो उन लोग के लिए बता दूँ खड़गपुर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, खड़गपुर स्टेशन आओ वहाँ पे टोटो वोटो पकड़ के भी इधर आ सकते हो, अगर बाइक है तो आप लोग झपाटापुर का जो रास्ता है उधर से भी आ सकते हो और इस तरफ जो पीछे है और हिजली का रोड है आप लोग हिजली वाले रोड से भी इधर आ सकते हैं। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये 3 मोड़ है ठीक है, एक रास्ता पीछे जाता है, एक कॉलेज की तरफ है और एक हिजली के साइड, तो मैं तो आज हिजली साइड से आया हूँ। आप लोग को मैं वीडियो के फर्स्ट में ही रास्ता दिखाया भी हूँ बहुत सा जो मेरे हुआ है वीडियो में, जितना हो पाया उतना दिखाया हूँ। और यहाँ पीछे पे बहुत भाई लोग भी है जो लोग वीडियो वीडियो शूट करने आते हैं, फ़ोटो शूट करने आते हैं और ख़ास करके प्लेस है उन लोगों के लिए जो लोग न्यू अपना रील्स और ब्लॉग और भी जो शूट वूट में आते हैं फ़ोटो शूट वूट, तो शूट के लिए भी बहुत बढ़िया प्लेस है, आप लोग इधर आ सकते हैं और मस्त सुनसान प्लेस है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। बहुत सा न्यू जो लोग वीडियो बनाते हैं उन लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि उन लोग शर्म करते हैं, शर्म यहाँ सबसे पहले तो ये बोल दूँ कि अगर वीडियो बना रहे हो तो शर्म किस बात की, तुम यूट्यूबर हो या रील्स कॉन्टेंट क्रिएटर हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो शर्म नहीं लगना चाहिए और वीडियो बनाते रहो इस तरह से। इधर आओ IIT का मस्त प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत इलाका भी है, यहाँ पे पीछे देखो यहाँ पीछे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ट्रेन उन पार होता है, इधर बहुत दिन पहले कि यहाँ पे आके भी ब्लॉग बनाया जाए, तो इसीलिए ब्लॉग बना रहा हूँ यहाँ पे। सो प्लेस बहुत बढ़िया है और जो अपना कॉलेज है वो तो बहुत ही मस्त डिज़ाइन डेकोरेट किया हुआ है और कॉलेज में अभी क्लोज है, तो क्या हुआ कॉलेज में अभी से ही
जो है तुम्हारा सिक्योरिटी दिया हुआ है, सो अंदर जाने तो नहीं दिया जाएगा। चलो आप लोग को मैं इधर से जाके आगे एक बार बैक से भी दिखाता हूँ इसको। ये देखो बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया हुआ, मतलब डेकोरेशन किया, डिज़ाइन ही बहुत बढ़िया है। आर्किटेक्चर जो भी था बहुत बढ़िया तरह से ही। अपना आईटी कैंपस तो लाजवाब है, खड़गपुर आईटी यानी कि फेमस, आप लोगों को पता ही है। साथ में ये बन जाने का बाद से और भी ज़्यादा रौनक आ गया है। और यहाँ का रास्ता जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, यानी कि डेंजरस है। सो आप लोग जब वीडियो बनाएंगे तब यहाँ पे आके आप लोग वीडियो बनाने से पहले जांच पड़ताल कर लेना कि गाड़ी वाड़ी नहीं आया जाया करे। तो आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे पीछे गाड़ी नहीं है और इधर भी गाड़ी नहीं है। सो इसीलिए मैं रोड से क्रॉस कर रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। सो जब गाड़ी वाड़ी रहेगा तो आप लोग यहाँ पे वीडियो ना बनाना ही अच्छा है। उसके बाद फिर जब गाड़ी चल जाए तो वीडियो बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं एकदम खड़ा हूँ इसका मेन गेट, एकदम ही मेन गेट। सो यहाँ पे देख सकते हो अंदर की तरफ ज़्यादा भीड़ नहीं है, लोग भी नहीं है, कोई तो है ही नहीं, क्लोज है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सन्नाटा है, मतलब क्या बोलूँ, साइलेंस जगह है। आप लोग जो लोग न्यू वीडियो बनाना चाहते हो उन लोग को बोलता हूँ कि इधर से स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्टिंग में आप लोग को फ़ायदा ये होगा कि जो इल्यूजन होता है अपना वीडियो में, प्रॉब्लम होता है लोगों की वजह से, वो आपको नहीं झेलना पड़ेगा। और फर्स्ट एंड ऑल आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे, वो आप लोग को और प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मेरा फ्रेंड्स लोग पीछे ही घूम रहा है और मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को मैं इस साइड से मेन गेट से तो एकदम दिखा ही चुका हूँ। सो इसको एक बार बैक कैमरा से आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर पीछे जाऊँगा, पीछे के साइड से भी आप लोग को दिखाऊँगा और बात करूँगा। तो चलो आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा खड़गपुर आईआईटी बीसी रॉय कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो बहुत ही मस्त प्लेस है और मेरे फ़ोन का कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, मेरे फ्रेंड का फ़ोन का, मेरा नहीं सॉरी। तो देख ही सकते हैं आप लोग इसको पूरा 0.6 के जूम में मैं कवर कर रहा हूँ, जितना हो रहा है दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा फ्रेंड वहाँ घूम रहा है, यहाँ पे आसपास में एक स्कूल भी है जहाँ से स्कूल के स्टूडेंट्स आया जाया कर रहे हैं। और आप लोग को यहाँ का रोड भी एक बार दिखाता हूँ, चलो फिर से आगे से एक बार दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोग को पीछे जाके बात करूँगा। तो इसका फ्रंट प्लेस है, जो गेट यहाँ पे है यहाँ पे सिक्योरिटी दिया हुआ है और यहाँ से अंदर जाया हो सकता है, बट अभी हम लोग को घुसने नहीं दे रहा है। कुछ लोग घुसे थे अभी कुछ देर पहले ही, बट हम लोग को घुसने नहीं दिया जाएगा। सो आप लोग को पीछे से बात करता हूँ और दिखाता हूँ, ओके। चलो बात करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को पीछे का मोमेंट। यहाँ पे अंदर पे जो है फूल का बगान वगान भी है थोड़ा बहुत, डॉक्टर इलाका है और गार्ड्स भी यहाँ है। तो चलो आप लोग को पीछे का व्यू जो है वो दिखाता हूँ। सो मेरा फ्रेंड का धंधो है, यानी कि इसी पे हम लोग आए हैं और मेरे फ्रेंड्स लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग को पीछे जा रहा हूँ मैं पीछे का व्यूज़ दिखाने के लिए। तो चलो पीछे चलते चलते बात हो रहा है और जितना जल्दी होने जाने का कोशिश करता हूँ मैं, चलो। सो ये इस कॉलेज का पीछे का साइड है और यहाँ पर भी बहुत मस्त व्यू है इसका, और ये डेकोरेट भी बहुत बढ़िया किया गया हुआ है। इसके सामने एक टावर भी है और यहाँ पे जो सन है वो भी देख सकते हो आप लोग, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इसको थोड़ा साइड से मैं दिखाता हूँ कॉलेज को, ये जो है बहुत ही मस्त का व्यू आ रहा है। सो ये इसका पीछे का साइड है और जो आगे मैं दिखाया आप लोग को उसका आगे का साइड। सो यहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ और आप लोग से अभी भी बात किया हूँ पीछे के साइड से। यहाँ पे मेरे को वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे किसी का परेशानी नहीं है, जो इधर उधर से ऑडियंस रहते हैं यानी कि पब्लिक रहता है, उन लोग जो रिएक्ट करता है देख के, वो रिएक्शन वाला बात इधर पे कोई है ही नहीं। और यहाँ पे वीडियो बना सकते हो आप, बाहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, ठीक है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बहुत जगह पे होता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम में आप लोगों को वीडियो बनाना तो छोड़ ही दो, लोग वीडियो भी प्रॉब्लम से बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग यहाँ पे आओ और वीडियो वीडियो बनाते रहो। साथ में जो लोग न्यू कंटेंट क्रिएटर है उन लोग के लिए मैं बोलता हूँ, आप लोग को बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे आप लोग। और यहाँ से क्या है, कंटेंट क्रिएट करने से जो है पब्लिक का प्रॉब्लम सभी को आता है, ठीक है, पब्लिक वाला प्रॉब्लम आप लोग इग्नोर करके वीडियो में आगे बढ़ते रहो। तो चलो आप लोग से बात करता हूँ वहाँ फ्रेंड्स लोग के पास। तो मैं वीडियो बनाते बनाते पीछे चल गया था, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, फ्रेंड्स शायद से गेट के पास ही होंगे। तो चलो देख जाके देखता हूँ वहाँ पे कहाँ है।
और आप लोग ट्रेन का आवाज़ भी सुनी सकते हैं, यहाँ से बहुत ही नज़दीक है ट्रेन का जो रूट है, आप लोग को दिख रहा होगा पीछे ये रहा, ट्रेन क्रॉस भी हो रहा है यहाँ से। तो मेरे फ्रेंड्स लोग यहीं पे है, उसके धन्नों के साथ वीडियो फोटो ब्लॉग वो ब्लॉग शूट कर लिया होगा अब तक। और क्या तेरा ब्लॉग शूट हुआ? नहीं, ब्लॉग तो शूट नहीं हुआ, अभी रील्स बन रहा है इसका। सो देखो इसका रिएक्शन, देखो थोड़ा बहुत रील्स का रिएक्शन, बहुत ही मज़ा आता है देखने में। जो लिपसिंग गलत करता है वो तो देखने में और मज़ा आता है। तो आप लोग को बीसीरो इंस्टीट्यूट कैसा लग रहा है डिज़ाइन से, आप लोग कमेंट करके बताओ। और खड़गपुर IIT जिन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को एक बार बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि खड़गपुर IIT कैंपस के अंदर जाके वीडियो बनाओ। सो खड़गपुर IIT कैंपस के अंदर वीडियो बनाना अभी हम लोग के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग अभी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। सो उधर जाके बाद में कभी बना सकता हूँ इन फ्यूचर वो तो पता नहीं है, अगर परमिशन मिल गया तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा, और परमिशन ना मिले तो पता नहीं बनाऊँगा अभी या नहीं, ठीक है। सो इसका डिज़ाइन किन किन को बहुत ही अच्छा लगा, जिन लोगों को दिल से अच्छा लगा वो लोग कमेंट करके बताओ कि डिज़ाइन कैसा लगा और डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। और एक कॉलेज के बारे में जिसको जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो लोग भी दे सकते हो इन्फॉर्मेशन मेरे कमेंट में। सो चलो अब आगे जाता हूँ, आगे जाके थोड़ा बात करता हूँ आप लोग से। ये यहाँ पास में ही है जहाँ से ट्रेन जो है गुजर रहा है, बहुत मस्त लगता है। तो जाते वक्त अगर दिखाने का पॉसिबल हो सो आप लोग को मैं रूट दिखाऊंगा जहाँ से ट्रेन क्रॉस होता है। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स वीडियो बना रहे हैं, चलो सामने की तरफ जाते हैं, जाके वहाँ पे बात करते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो ही चुका है यहाँ से निकलने का, जितना हो सका आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, और मेरे फ्रेंड्स लोग भी गाड़ी वाड़ी निकाल रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो चलो आप लोग से थोड़ा बहुत और बात करता हूँ, आगे जाके वहाँ से बात करता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी लेके थोड़ा ज़्यादा स्टंट कर रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है स्टंट करने में। सो आगे जा रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा सा बात करूँगा, उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा यहीं पे। तो आप लोग मेरे चैनल को लास्ट तक सपोर्ट करते रहना, मतलब चैनल को भी नहीं मेरे वीडियो को सपोर्ट करो। न्यू ब्लॉग आता रहेगा तो उसके लिए आप लोग फर्स्ट नोटिफिकेशन अपने फ़ोन में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करके रख दो। और मेरा फ्रेंड्स लोग पीछे आ ही रहा है तो आप लोग देख सकते हो। गाइज अगर इन फ्यूचर कभी नसीब हुआ इसके अंदर जाके ब्लॉग बनाने का तो ज़रूर बनाऊंगा। और मेरा फ्रेंड यहाँ पे स्टंट कर रहा है, इसका रोल देख लो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ, और जो जो गलती हुआ है उसको इग्नोर करने का कोशिश करो, और जो अच्छा लगा है उसको कमेंट करके प्यार दो वीडियो को। तो सब लाइक कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड्स को ये प्लेस दिखाने के लिए ज़रूर शेयर कर देना मेरा ब्लॉग को। और तो जो है ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इन फ्यूचर जब यहाँ फिर कभी आऊँगा तो फिर से ब्लॉग यहीं पे बनाऊँगा। तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा मेरा वीडियो, और आप लोग सब ठीक रहेगा। बाय।